रामलीला का भूमि पूजन अपने आप में ही विशेष है। आज से रामलीला का आगाज हो गया और पूरे देश में रामलीलाओं की धूम मच गई। अब हर दिन एक त्यौहार के रूप में रामलीला के माध्यम से मनाया जाएगा। अशोक रामलीला कमेटी फेज वन अपने आप में विश्व विख्यात रामलीला है। इसका मंचन देखने के लिए लोग दूर दूर से प्रयास करते हैं किस तरह भी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि हमारे जितने भी कलाकार होते हैं वो अपने मुख से हर डायलॉग डिलीवरी को बजाय कि बैकग्राउंड से ना लेके अपने मुख से पेश करते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है, वरना तकरीबन जितनी रामलीला हो रही है उसमें बैकग्राउंड से ही कोई ना कोई समाज बोल रहा होता है और कलाकार मुख नृत्य कर रहा होता है। अशोक रामलीला इसलिए ही सबसे उत्तम है। इस बार की रामलीला में तकनीक का क्या प्रयोग होगा और क्या कुछ नया होगा? जितना पूरे विश्व में तकनीकें आ चुकी हैं, LED उसकी सबसे लेटेस्ट तकनीक है। उस LED के माध्यम से हम भी इस बार ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जो दृश्य बनेगा वो पीछे नकली दृश्य ना बनके LED के माध्यम से बिल्कुल सजीव दृश्य दिखाएंगे। और जैसा कि रामलीला दिल्ली और उत्तरी दिल्ली का काफ़ी फेमस और पुराना है, आप बताएंगे रामलीला कितना पुराना है और आज के डेट में इस रामलीला का क्या महत्व है? लगभग 40 वर्षों से ये रामलीला का मंचन होता रहा है। अशोक बहुत ही सूक्ष्म रूप में किसी घर के प्रांगण में शुरू हुई थी, धीरे धीरे से विशाल रूप लिया। एक से एक व्यक्ति आते रहे, सबकी कला का प्रदर्शन करते रहे, जितना उनमें टैलेंट था उनका उन्होंने सहयोग दिया और रामलीला धीरे धीरे शिखर तक जा पहुँची। प्रभु श्री राम का रथ आज से जो ये शुरू हुआ है, प्रभु इसको अपने आप ही पूरा, इस यज्ञ को अपने आप ही संपन्न करेंगे। सब लोगों की इस यज्ञ में आहुति सब लोगों ने दी है और संपन्न भी प्रभु श्री राम स्वयं आके करेंगे। इस बार कुछ और अच्छा किया जा रहा है। टेंट वाले ने भी साथ सज्जा के अंदर काफ़ी प्रयास किया और जो हमारे कलाकार हैं उन्होंने भी रामलीला का जो पिछले साल से स्तर को ऊँचा करने का हमसे वायदा किया है और उसको हमें उम्मीद है कि बहुत ही सुंदर इसका वो करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और प्रभु श्री राम ने चाहा तो स्वयं वो आके इस लीला का मंचन वो स्वयं खुद ही करेंगे। इस बार रामलीला के मंच से या रामलीला के बहाने प्रधानमंत्री मोदी का कोई संदेश देना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो वैसे ही पूरे देश को राम वातावरण के अंदर कर दिया है और सभी हिंदुओं को जीने की एक राह दिखाई है। प्रधानमंत्री मोदी आज की डेट के अंदर जो पूरे विश्व के अंदर आज पूरे भारत का जो नाम किया है उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई व्यवस्था टिकट बेचने की नहीं, ये सारी पास पे आधारित है, तो इसके पास जो है वो भी मिलने मुश्किल होता है। रामलीला के दिनों में हमारे पे तब प्रेशर होता है कि पास मुझे दीजिए, लोग फारक भेजते हैं, टेलीफोन करते हैं कि भैया पास भेजो, विदाउट पास दर इज नो एंट्री। और एक जनरल पब्लिक का पूरा हमारा पंडाल होता है जिसमें सिर्फ जनरल पब्लिक उसमें बैठती है। और ये रामलीला हर साल कुछ जो ऊँचाइयाँ हैं उसको छूती जा रही है और हर बार कुछ ना कुछ नयापन इसमें आता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्निक बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से हमारी जो रामलीला आगे चलती है। इस बार सबसे बड़ी प्रभु राम जो है वही अपने आप में ही एक टीम है। उनकी क्या उनसे ज्ञान लें, उनके रोजमर्रा की जिंदगी को देखें, कैसे उन्होंने वनवास किया, कैसे वो अपने पिता की आज्ञा मान के गए। कई चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो चाहे भरत हो, चाहे सीता हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे हनुमान, आप ये देखिए कि इन लोगों का कितना महत्व है और हमारी पीढ़ी इसको भूलती जा रही है। उसी पीढ़ी को बार बार दिखाने के लिए जब हम छोटे थे तो शायद हम भी रामलीला में इतना इंटरेस्ट लेते हैं, आज हम बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। हमारे बच्चों को भी हम करते हैं कि अभी आप भी जाइए, उनको आग्रह करते हैं कि आप आओ देखो आके कि रामलीला में होता क्या और उसके ताकि उनमें भी संस्कार है, हमारी संस्कृति का जो है वो विशेष। सर एक प्रश्न रामलीला से हटके पूछना चाहूँगा, रोजाना आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार के 3-4 पेजों पर जो रोज के आते हैं घटनाएं तरह तरह के आते हैं, वो क्या वो राम के विचारों से संबंध रखता है? जबकि दिल्ली में रामलीला विश्व की सबसे सर्वोच्च रामलीला होती है। वो ऐसे पापी लोग हैं तभी ये कांड करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी राम जी का, कभी कृष्ण जी का कभी किसी ने अध्याय नहीं पढ़ा, ना उन्होंने वो जीवन में अपने डाला। उनको ज़्यादा जरूरत है ये रामलीला देखने की। रावण को यहाँ जब देखेंगे उसका घमंड किस तरह टूटता है, कोई व्यक्ति बच नहीं सकता पाप करके, ये संदेश। रावण कहता है कि मैं हर साल जलूंगा, मुझे हर साल जलाओ, मेरे पापों का अंत करो, लेकिन राम के हाथों आज के डेट में रामलीला मैदान में, हर रामलीला मैदान में जो रावण को जलाते हैं वो जलाने वाले क्या राम के विचारों से प्रभावित हैं या फिर इसी बीच से होते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, ये अच्छाई की जीत जो है वो बुराई की। इसका रावण को बार बार जलाना, हर साल जलाना,
वो सिर्फ ये दिखाता है कि अच्छाई जो है वो बुराई पे कभी भी जीते, पाप जो है नष्ट होंगे और सत्य हमेशा सामने आएगा। ये संदेश सबसे बड़ा है। पिछले 4-5 सालों से तो बिल्कुल हर साल रामलीला में जो है, चाहे कलाकारों की एडिशन हो, चाहे भव्य टेंट हो, हर प्रकार से, और हम उन सभी जो हमारे दानदाता हैं उनका धन्यवाद करते हैं कि आए साल वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हमें धनराशि देते हैं और उसका हम बिल्कुल सदुपयोग करते हैं। वो इस चीज़ का जो प्रमाण है कि जिस प्रकार की सज्जा और भव्यता इस रामलीला में हो। मार्केट में चर्चा है कि मंदा चल रहा है, बाजार मंदा है, आर्थिक स्थिति खराब है, इसको लेकर क्या आपके रामलीला के बजट कुछ बिगड़ा हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने प्रभु राम के लिए दान देना है वो सारा साल इसको अलग रखते हैं। ऐसे दानी हैं जो अपने घर में ही उन्होंने गुल्लक बना रखी है और उसमें डालते रहते हैं, और जब रामलीला